हेलो एंड वेलकम टू पावर ऑफ कलर्स ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम किसी भी डिज़ाइन में जान भरने वाले फन, पावरफुल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके डिज़ाइंस को बेहतर या बेकार बना सकता है, कलर्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से और डिटेल में समझेंगे। कलर थ्योरी, कलर्स के मीनिंग और उनके सही यूज़, कैसे चूज़ करें प्रोफेशनल कलर्स, और जानेंगे मेरे सुपर इजी सीक्रेट मेथड जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स की तरह कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर पाएंगे। इस ट्यूटोरियल के एंड तक आप कलर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना चुके होंगे, तो इस ट्यूटोरियल के एंड तक ज़रूर देखें। मेरा नाम है सुनीत और आपका स्वागत है कैनवा स्टेशन में। किसी भी डिज़ाइन में कलर्स की इंपॉर्टेंस हम सभी जानते हैं। मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस डिज़ाइन में सारी चीज़ें सही हैं, फॉन्ट्स, एलिमेंट्स का अलाइनमेंट, लेकिन अभी भी ये डिज़ाइन फीका सा है। तो इस डिज़ाइन में एक्चुअली जान कलर्स ही भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलत कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए तो आपका डिज़ाइन अच्छे की जगह बेकार लगेगा। तो सही कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कलर सिर्फ आपके डिज़ाइन को आई प्लीजिंग ही नहीं, बल्कि हर कलर सीक्रेटली आपकी ऑडियंस को साइकोलॉजिकल तरीके से भी इन्फ्लुएंस करता है। कहने का मतलब, हर कलर का कुछ एक अपना मीनिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप ग्रीन कलर देखते हैं तो यूजुअली हम उसे नेचर, हेल्थ या ग्रोथ से एसोसिएट करते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर या सक्सेस से रिलेटेड डिज़ाइंस में आपको ग्रीन देखने ज़्यादा मिलता होगा। अगर ये सारे डिज़ाइंस रेड में होते तो आपको डेंजर, इमरजेंसी जैसे इमोशंस आते, या फिर ये डिज़ाइन ऑफ लगता। और प्रो डिज़ाइनर्स इस सीक्रेट को अच्छे से जानते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सही कलर्स दिखा के सबकॉन्शियसली डिफरेंट इमोशंस ट्रिगर या टारगेट करते हैं, और इसको हम कहते हैं कलर थ्योरी। जो सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है लेकिन बहुत पावरफुल है। तो चलिए कलर थ्योरी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स समझ लेते हैं। तो कलर थ्योरी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिफरेंट कलर्स, उनकी साइकोलॉजी और उनके मीनिंग। सो, ये कुछ कलर्स हैं जिनकी मीनिंग समझ लेते हैं। तो पहला कलर है रेड, जो लव, पैशन, स्ट्रांग, इंटेंस, एनर्जेटिक, एक्साइटमेंट, करेज, एमरजेंसी जैसी सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट करता है। इसकी मदद से आप अपने डिज़ाइन में ये सारे इमोशंस ऐड कर सकते हैं। दूसरा कलर है ब्लू, जो ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, कामनेस, कोल्डनेस, इफिशियंसी, लॉयल्टी, इनर सिक्योरिटी जैसी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है। हमारा तीसरा कलर है येलो। येलो की मदद से आप एनर्जी, ब्राइट, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस जैसे इमोशंस शो कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। वैसे इन तीन कलर्स को हम प्राइमरी कलर्स के नाम से भी जानते हैं। तो जब डिजिटल टूल्स इन्वेंट नहीं हुए थे तब कलर्स पिगमेंट होते थे, और इन तीन कलर्स को हम प्राइमरी कलर्स मानते थे। अगर आप इन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं, जैसे अगर आपने रेड को ब्लू से मिक्स किया या ब्लू को येलो से मिक्स किया, तो हमारे सेकेंडरी कलर्स निकल के आते हैं। और जब आप सेकेंडरी कलर्स को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे लिए टर्शियरी कलर्स निकल के आते हैं, और ऐसे टोटल 12 कलर्स होते हैं, और इन 12 कलर्स का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कलर व्हील। लेकिन डिजिटल टूल्स में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो, मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको डिफरेंट कलर्स और उनके मीनिंग मिल जाएंगे। इस चार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब आप इस चार्ट की मदद से अपने डिज़ाइन के पर्पस के हिसाब से आसानी से कलर्स चूज़ कर पाएंगे। लेकिन एक डिज़ाइन में सिर्फ एक कलर नहीं होता, बल्कि बहुत से डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि कैसे हम डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने का पहला और सबसे आसान तरीका है कि आप कैनवा के प्रीमेड कलर कॉम्बिनेशंस, जिसको कलर पैलेट भी कहते हैं, उन्हें यूज़ करें। ऐसा करने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन मेनू पर जाएँ, और उसके बाद स्टाइल्स मेनू पर क्लिक करें और थोड़ा स्क्रोल डाउन करें, आपको कलर पैलेट का ऑप्शन शो करेगा। आप सिंपली इस सी ऑल के बटन पर क्लिक करें और यहाँ आपको कई सारे डिफरेंट कलर पैलेट्स मिल जाएंगे। जिस भी कलर का कलर पैलेट आप अपने डिज़ाइन में अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करें और वो कलर पैलेट आपके डिज़ाइन में कुछ इतनी आसानी से अप्लाई हो जाएगा।
वैसे अगर आप चाहें कि आपके कलर पैलेट के दूसरे कलर्स प्राइमरी कलर बन जाए, तो सिंपली उसी कलर पैलेट पे दोबारा क्लिक करें और आपके कलर्स शफल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कलर पैलेट्स आपको मिलेंगे। अगर आप चाहें तो गूगल पे डिफरेंट कलर पैलेट, जिस भी कलर का डिज़ाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कलर पैलेट गूगल पे सर्च करें, उसको डाउनलोड कर लें और सिंपली उस पर राइट क्लिक कर अप्लाई कलर्स टू पेजेस पर क्लिक करें और आपका कलर पैलेट ईजिली आपके डिज़ाइन में अप्लाई हो जाएगा और आप इतनी आसानी से अपने डिज़ाइन के लिए डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप मेरे सीक्रेट मेथड को यूज़ कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अल्टीमेट कलर कॉम्बिनेशंस बना पाएंगे। लेकिन इस मेथड को जानने से पहले अगर आपको ये ट्यूटोरियल अभी तक हेल्पफुल लगा तो कैनवा स्टेशन को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। कर लिया? चलिए अब समझ लेते हैं मेरे सीक्रेट मेथड को। तो सिंपली ब्राउज़र में जाएं और canva.com/colors पे जाएं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ आपको प्रोफेशनल कलर्स क्रिएट करने से रिलेटेड चार डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, तो एक एक कर इन चार डिफरेंट ऑप्शंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कलर पैलेट जनरेटर। तो कलर पैलेट जनरेटर की मदद से आप सिंपली अपलोड एन इमेज पर क्लिक कीजिए, अपने खुद के इमेजेस अपलोड कीजिए और कलर पैलेट जनरेटर आपके इमेज के अकॉर्डिंगली कलर पैलेट आपके लिए कुछ इस तरीके से जनरेट कर देगा। दूसरा ऑप्शन है कलर पैलेट आइडियाज़। कलर पैलेट आइडियाज़ पे जैसे आप जाएंगे यहाँ पर कई सारे डिफरेंट कलर पैलेट्स देखने मिलेंगे, या फिर आप सिंपली इस सर्च बार पे जाके जिस भी कलर के कलर पैलेट्स आप ढूंढ रहे हैं वो सर्च कर लें। जैसे यहाँ पे मैं ब्राउन सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट ब्राउन कलर के कलर पैलेट्स दिख जाएंगे। अब जिस भी कलर पैलेट को आप यूज़ करना चाहते हैं सिंपली उसे क्लिक कर अपने डिज़ाइन में अप्लाई कर लें। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है कलर व्हील का। जैसे आप कलर व्हील पे जाते हैं यहाँ आपको डिजिटल टूल्स का कलर व्हील देखने मिलता है। जो मैंने आपको नॉर्मल कलर व्हील दिखाया उस कलर व्हील से कलर व्हील काफ़ी ज़्यादा अलग है। सो यहाँ पे सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा पिक अ कलर का। तो यहाँ से सिंपली आप एक कोई कलर सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका प्राइमरी कलर है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको कलर कॉम्बिनेशन के मेथड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री पे है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक दूसरे से ऑपोजिट कलर। उसके बाद आपको कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस देखने मिलते हैं, तो इनको आप अपने हिसाब से फिलहाल एक्सप्लोर कर लीजिएगा। वैसे इन डिफरेंट मेथड्स को मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में काफ़ी डिटेल में कवर करूँगा, बट फिलहाल के लिए आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। उसके बाद इन कलर कॉम्बिनेशन को आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं इस वेबसाइट के आखिरी ऑप्शन और सबसे पावरफुल ऑप्शन कलर मीनिंग्स को। जैसे आप कलर मीनिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कलर्स मिल जाएंगे। वैसे आप यहाँ से जिस भी पर्टिकुलर कलर को सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको कई सारे डिफरेंट कलर्स देखने मिलेंगे। जिस भी कलर को आप सेलेक्ट करना चाहें उसे सेलेक्ट करें और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको उस कलर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कलर क्या इमोशन इवोक करता है, इस कलर को आप कैसे और किन सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप टॉप राइट पे जाएंगे तो उस कलर से रिलेटेड आपको कई सारे डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे जो आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन चारों डिफरेंट ऑप्शंस को अपने हिसाब से ज़रूर एक्सप्लोर करें और जो भी तरीका आपको पसंद आए उसे यूज़ कर अपने डिज़ाइंस के लिए प्रो कलर कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर अपने डिज़ाइंस में ज़रूर ऐड करें। कंग्रेचुलेशंस, हमने कलर्स को अच्छे समझ लिया है और आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर अमेजिंग डिज़ाइंस जो न सिर्फ आई कैची हो बल्कि आपकी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस भी करती हो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। आगे कैनवा स्टेशन पे और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स जहां हम एडवांस वीडियो एडिटिंग से लेकर एआई डिज़ाइनिंग तक जानने वाले हैं, ऐसे बहुत से ट्यूटोरियल्स जल्द आ रहे हैं। तो अगर आप इन सभी ट्यूटोरियल्स को फ्री में देखना चाहते हैं तो कैनवा स्टेशन को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मीन्स अलॉट, सो कीप सपोर्टिंग। मेरा नाम है सुनीत और आपसे जल्द मिलते हैं अगले अमेजिंग ट्यूटोरियल में।